वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर्य। और बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग के बारे में डिस्कस किया था, हमारा सेकेंड वीडियो होगा डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हम लोग दोनों टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने चारों तरफ देखते हो तो ढेर सारी वैरायटीज, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ढेर सारी जातियां पाई जाएंगी, कई वैरायटीज इनकी पाई जाएंगी। बी इट पॉटेड प्लांट्स, ये प्लांट हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बर्ड हो सकते हैं, योर पेट्स आर अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सारी चीजें क्या हो सकते हैं, प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, चिड़िया हो सकती है, आपके अपने कुत्ता बिल्ली हो सकता है, या अदर एनिमल्स या पौधे भी हो सकते हैं, आपके चारों तरफ इतनी चीजें पाई जाएंगी। नेक्स्ट बोल रहा है कि देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो अपनी आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि बहुत से बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, या नंगी आंखों से देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। बट दे आर ऑल अराउंड यू, आपके चारों तरफ पाए जाते हैं और आपको बीमारी काज करते हैं, आपको बहुत बीमार हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से। वही बोल रहा है कि ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके चारों तरफ पाए जाते हैं बट आप उनको देख नहीं पाते हो। फिर बात कर रहा है, इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया, आप अपना एरिया बढ़ाते हो, किसका, दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन, आप अपने देखने का एरिया बढ़ाते हो, क्या, जैसे रेंज, ऑब्जर्वेशन का रेंज बढ़ाते हो, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके बढ़ते चले जाते हैं, दैट यू सी वुड इंक्रीजेस, मींस जैसे आप अपने घर से घर में रहोगे, आपके पास क्या, थोड़ी बहुत चिड़िया मिलेंगी, थोड़े बहुत जीव जंतु मिलेंगे, बट आप जंगल में जाओगे, खेतों की तरफ जाओ, आप अपने घर से बाहर तो निकलो, आपको ढेर सारे तरीके के पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चिड़िया, केकड़ा, मच्छर, मक्खी, ढेर सारी चीजें आपको, जानवर मिलने शुरू हो जाएंगे। वही बोल रहा है कि जैसे आप अपना ऑब्जर्वेशन एरिया बढ़ाओगे, आपको नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ने शुरू हो जाएंगी एनिमल्स की। फिर बात कर रहा है कि ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अब आप जाओ अपने खेतों से निकलकर आप एक घने जंगल में जाओ, वहां पर आप क्या देखोगे, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। आप उस जंगल में ढेर सारे तरीके के जानवर, चिड़िया, अदर पेड़ पौधे, बहुत ढेर सारे तरीके के आप देखोगे। उसके बाद बात कर रहा है कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, क्या है, जैसे जो कि आप देखते हो, रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी चीजें आप देखते हो, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, पेड़ पौधे, मूली, गाजर, जो भी चीजें देखते हो, सब्जी वगैरह, क्या, एक स्पीसीज को, एक जाति को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। मींस द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हम लोग ये देख सकते हैं। मीन्स टोटल अभी तक जितनी जातियां खोजी गई हैं पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतुओं की, टोटल कितनी, 1.7 टू 1.8 मिलियन जातियां खोजी गई हैं। कितनी है ये, 1.7 टू 1.8 मिलियन टोटल ये खोजी गई हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बेटा ये आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। ओके, तो जहां जहां जो क्वेश्चन आएगा मैं उसको बताता जाऊंगा, ऊपर जो भी बताए गए वो केवल किस चैप्टर के आधार के लिए वो सारी चीजें थी। ओके बच्चों, नेक्स्ट बच्चों बात कर रहा है कि ये जो जातियां आपने देखी थी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनिमल्स की जातियां पाए जाने को क्या बोलते हैं हम लोग, बायोडायवर्सिटी बोल दिए जाते हैं। ओके, बायोडायवर्सिटी क्या है, डिफरेंट तरीके के नंबर ऑफ एनिमल्स स्पीसीज जीव जातियों का पाए जाने क्या कहलाता है, बायोडायवर्सिटी बोल दी जाती है। ये मीन्स नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी बोल दी जाएगी। बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, We should remember here that as we explore new areas, हम एक नया एरिया को देखते हैं, वहां के बारे में खोजबीन जब जारी करते हैं, इवन ओल्ड वन, और पुराने को भी लेकर के, नया प्लस पुराना दोनों को देखते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बींग आइडेंटिफाइड। आप पुराने एरिया को भी खोजो जहां पर आपने देखा हुआ था, प्लस नए एरिया, दोनों को जब आप एक्सप्लोर करोगे आपको एक से एक नए नए ऑर्गेनिज्म
मिलने शुरू हो जाएंगे। ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? मींस जीव जातियों की डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां बायोडायवर्सिटी कहलाती है। बिल्कुल रट डालो बायोडायवर्सिटी डेफिनेशन। दो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन बनेगा टोटल कितनी स्पीसीज है, दूसरा बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन। तो दो चीज यहाँ पर बन जाएंगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है कि एज स्टेटेड अर्लियर, हमने इसके पहले हमने जो अभी हमने पढ़ा, अभी अभी जो पढ़ा हुआ है, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, मींस 1.7 टू 1.8 बिलियन स्पीसीज एनिमल्स और प्लांट की पाई जाती है पूरे विश्व में। वी नो द प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। तो पूरे विश्व में मिलियंस लाखों जातियां पाई जाती हैं, और कुछ जातियां जो हमारे प्लांट और एनिमल्स, पौधे और प्लांट और एनिमल्स की जो जातियां हमारे एरिया में पाई जाती हैं, उनको लोकल नेम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उनको? लोकल नेम से जानते हैं। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये लोकल नेम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने पर वेरी होता है। मींस जैसे आप लखनऊ में हो, आप इलाहाबाद जाओ, आप जो है मींस उत्तर प्रदेश से, आप जो है हिमाचल प्रदेश, आप दिल्ली जाओ या आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, इन प्रजातियों को क्या अलग अलग नामों से जाना जाएगा। क्योंकि लोकल प्रजातियां जो आप लोकल नाम से जानते हैं, उनको अदर किसी स्थान पर जाओगे उनको दूसरे नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इवन विद इन द कंट्री, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाओ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या अपने आप देश में ही घूमो जगह जगह, आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं इन प्रजातियों को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो बेटा बोल रहा है कि प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर। ओके, रिफर टू एज ऑर्गेनिज्म वी आर टेकिंग अबाउट। ओके मीन्स बेटा ये बात कर रहा है कि जो प्रजातियों को हम लोकल नेम दूसरा जानते हैं, दूसरे स्थान पर दूसरे लोकल नेम जाना जाता है, इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिरकार हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कुत्ता को यहाँ पर कुत्ता बोलते हैं, कहीं पर उसको दूसरा बोला जाता है। ओके, तो बिल्ली को बिल्ली बोलते हैं, कहीं उसको बिलोटा बोल दिया जाता है, तो हम समझ नहीं पाता कि कहना क्या जाता है। तो हमें कोई ना कोई यहाँ बात क्या बोल रहा है कि ये कोई ना कोई हमें ऐसा वे फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐसा कोई रास्ता चूज नहीं करते हैं तो हम पहचान नहीं पाते पाएंगे कि हम आखिर बात किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें कोई ना कोई एक ऐसा नेमिंग सिस्टम ईजाद करना पड़ेगा जिससे कि क्या होगा, हम पहचान सके, चाहे विश्व में कहीं भी जाए वो उसी नाम से जाना जाए। मीन्स हमें कोई ना कोई वे निकालना पड़ेगा इस बारे में, केवल इस पैराग्राफ में इतनी बातें कर रहा है। नेक्स्ट बात कर, हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू नोन बाई सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमें ऐसा कोई ना कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नेमिंग का व्यवस्थित करना पड़ेगा जिससे कि वो जो जंतु है वो पूरे विश्व में एक नाम से ही जाना जाए, जिससे पहचानने में हमें आसानी हो। ऐसी प्रक्रिया को बोला जाता है नामक्लेचर, मीन्स वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी एक जंतु क्या होगा पूरे विश्व में सेम नेम से जाना जाएगा, इस प्रक्रिया को नामक्लेचर बोल देंगे। ओके, सो नामक्लेचर आर नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो दैट व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज स्टेटेड टू, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। So, बेटा बोल रहा है कि इसलिए नामक्लेचर के लिए बात कर रहा है कि नेमिंग तभी पॉसिबल होगा, आप किसी को तभी नाम बता पाएंगे सही से जब आप उसको क्या करें, करेक्टली डिस्क्राइब कर लें, करेक्टली क्या करें उसकी पहचान कर लें। ओके, नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम मींस उसको आप करेक्टली पहचानना सीख जाएं। इस प्रक्रिया को क्या बोले हम लोग, आइडेंटिफिकेशन बोल देते हैं। मीन्स नामक्लेचर की पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, तभी ना आप नाम सही से कर पाओगे जब आप उसको क्या करोगे, सही पहचाने को। कुत्ता को कुत्ता तभी बोलोगे, डॉग डॉग तभी बोलोगे जब आप उसको पहचानोगे कि ये कुत्ता ही है, ये बिल्ली नहीं है। तो नामक्लेचर का पहला स्टेप क्या है, तो क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ नामक्लेचर इज आइडेंटिफिकेशन। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आइडेंटिफिकेशन, जब किसी भी जंतु के ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब एंड आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिफिकेशन बोल देते हैं। ओके बच्चों, तो ये चीजें नामक्लेचर पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, हमने बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया। तीन चीजें यहां से क्वेश्चन बनती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म।
तो स्टडी को सुगम बनाने के लिए ढेर सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम स्टेब्लिश करने की कोशिश की जिसको बोला गया साइंटिफिक नेम। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम देने की कोशिश की गई और सभी वैज्ञानिक इससे सहमत थे कि एक साइंटिफिक नेम दिया जाए जिस सभी ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, पूरे विश्व में एक नाम से ही जाना जाए। ओके, दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये प्रक्रिया नेमिंग की, ये प्रक्रिया पूरे विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा एक्सेप्ट की गई। फॉर प्लांट के लिए वो सिस्टम लाया गया, प्लांट को नेमिंग देने के लिए वो सिस्टम लाया गया, उसको क्या बोला गया, इसको बोल दिया गया आईसीबीएन संस्थाएं का। उस संस्था ने कहा कि हम प्लांट का ये नामकरण करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, फॉर प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम देने की प्रक्रिया किसने की, बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इंटरनेशनल। किसने ये प्रक्रिया दी, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नामक्लेचर आईसीबीएन ने, ये संस्था ने ये प्लांट के नामक नेमिंग के लिए ये इन्होंने ये साधन प्रोवाइड कराया। तो क्वेश्चन क्या देता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि आईसीबीएन का फुल फॉर्म बताइए, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। आपको आईसीबीएन का फुल फॉर्म नीट पे आ चुका है, आप रट डालो आईसीबीएन का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नामक्लेचर। ओके, इसी तरीके से बात कर रहा है एनिमल्स के लिए कि एनिमल्स के लिए किस संस्था ने दिया नेमिंग के, तो यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड, मींस एनिमल कैसे नेम्ड होंगे। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामक्लेचर। तो एनिमल्स के लिए संस्था कौन सी आई, एनिमल्स के लिए संस्था हमारी आ गई इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नामक्लेचर आई, ये संस्था एनिमल को नेम देती थी। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट बात करा कि साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट, मींस साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है, दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का केवल एक नाम ही हो, दूसरा नाम, मींस एक ऑर्गेनिज्म का दो नाम नहीं होना चाहिए, या एक नेम जो है दो ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए, एक ऑर्गेनिज्म का केवल सिंगल नेम होना चाहिए। ओके, तो सो डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल टू पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स जिस एनिमल का जो नाम दे दिया जाएगा पूरे विश्व में वो उसी नाम से जाना जाएगा। यही संस्था क्या थी, नामक्लेचर का मेन उद्देश्य था कि कोई जन तो पूरे विश्व में एक नाम से जाना जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। दे आल्सो इंश्योर दैट सच नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। और यह संस्था ये भी करती है कि एक ऑर्गेनिज्म का दो नाम नहीं होना चाहिए और एक नेम जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए। ओके, ये संस्था ये कंफर्म करती है। ओके, अब हम अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा बोल रहा है कि ध्यान दो, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजिस्ट ने एक ऐसा यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दिया जिससे कि साइंटिफिक नेम कि किसी नोन ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दिया जा सके। ओके, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, प्रत्येक नेम का दो कंपोनेंट होना चाहिए। ओके, दो कंपोनेंट होगा मींस एक नेम का दो कंपोनेंट होगा, कौन सा, पहला कंपोनेंट होता है जेनरिक। ओके, जबकि सेकेंड कंपोनेंट हो जाता है हमारा स्पेसिफिक। तो पहला कंपोनेंट कौन सा हमारा, ये है जेनरिक। ओके, सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है, ये हो जाता है ये। ओके, दिस सिस्टम बोल रहा है कि दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नामक्लेचर। ये सिस्टम जो क्या करता है कि किसी नेम का दो कंपोनेंट बताता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को बोल दिया जाता है बायोनोमियल नामक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसने दिया था, बायोनोमियल नामक्लेचर में जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट आते, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये जो है बायोनॉमिनल नामक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा ये नेमिंग सिस्टम यूज किया जाता है ये। ओके, बायोनॉमिनल नामक्लेचर। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि दिस नेमिंग सिस्टम यूज टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वेंट। ये दो नेम का जो सिस्टम था, किसी जंतु का दो नाम होगा, ये सिस्टम बहुत ही क्या था, सुविधाजनक था लोगों के लिए, यूज करना, अलग करना। ओके, तो अदर ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट करना।
लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, हम एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, एग्जाम्पल आप देखते हैं, जैसे मैंगो का एग्जाम्पल लिया जाए, अंडरस्टैंड टू वे मीन्स हम मैंगो का एग्जाम्पल लेकर के इस नेमिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। ओके तो बोल रहा है कि मैंगो टू अंडरस्टैंड वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर, तो मैंगो का एग्जाम्पल लेकर हम लोग साइंटिफिक नेम को बेटर समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात कर रहा है कि दी साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटेन एज मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, ये सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंगो को साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका हो जाता है। ओके लेट अस सी हाउ, अब हम देखते हैं कि कैसे बायोनॉमिनल नोमेनक्लेचर होता है ये। ओके इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंगीफेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि इंडिका किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगी। ओके आर स्पेसिफिक एपिथेट को ये रिप्रेजेंट करती है, कौन, इंडिका स्पीसीज को या स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगी। ओके ओके अब नेक्स्ट बात करा कि अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नामक्लेचर एज फॉलोज, तो बायोनॉमिनल नामक्लेचर का जो यूनिवर्सल रूल है वो आगे है, आप देखते हैं उसको। ओके तो यहाँ पर जो नेम का ये रूल है, ये चार रूल है, एक दो तीन चार, यही चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं और क्वेश्चन सबसे ज्यादा 3 से 4 बार क्वेश्चन डायरेक्टली यही आया हुआ है, अभी हम आपको डिस्कस करते हैं। बात कर रहा है कि बायोलॉजिकल नेम आर द जनरली इन द लैटिन एंड रिटन एज इटैलिक्स। ओके ये जनरली किसमें होते हैं, ये लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में इनकी प्रिंटिंग की जाती है, मतलब तिरछी प्रिंटिंग की जाती है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये जनरली होते कैसे हैं, ये जनरली लैटिन में हो जाएंगे और इटैलिक की इनकी तिरछी प्रिंटिंग हो जाती है। दे आर लैटिनाइज्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, तो ये किसी भी देश में ओरिजिन हो, किसी भी भाषा में इनका ओरिजिन हो, बट इनको फाइनली लैटिनाइज ही किया जाता है ये। ओके दूसरा रूल क्या बताता है हमारा, दूसरा रूल बात करता है कि पहला वर्ड जो होगा वो बायोलॉजिकल नेम का रिप्रेजेंट जीनस को रिप्रेजेंट कर देता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, जीनस को करेगा, जबकि सेकेंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर देता ये है ये। ओके तो पहला वर्ड किसको रिप्रेजेंट किया, पहला वर्ड जीनस को करता है ये पहला वर्ड, जबकि सेकेंड वर्ड किसको करता है, ये स्पेसिफिक एपिथेट को करता है, रट डालो ये रूल बिल्कुल। ओके नेक्स्ट हमारा क्या रूल है कि तीसरा रूल, बोथ वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर दो के दोनों वर्ड अगर हाथ से लिखे जाएंगे सेपरेट अंडरलाइन किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, सेपरेटली अंडरलाइन ये कर दिए जाते हैं, जबकि अगर प्रिंटेड होंगे इटैलिक या तिरछे प्रिंट किए जाएंगे, क्या बताता है इसकी लैटिन ओरिजिन को ये बताता है, इसकी लैटिन ओरिजिन को बताएगा बिल्कुल, अगर हाथ से लिखे जाएंगे तो अंडरलाइन किए जाएंगे, अगर ये प्रिंट किए जाएंगे तो इटैलिक या तिरछे प्रिंट किए जाएंगे। आप एग्जांपल देख सकते हो इसका, यहाँ पर क्या है, ये हमने लिख दिया मैंजी फेरा इंडिका, मैंने हाथ से लिखा, इसको मैं सेपरेट अंडरलाइन कर दिया बिल्कुल। तो हमारा ये इसमें क्या रिप्रेजेंट किया, मंजीफेरा जीनस को, ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके और ये हमारा क्या है, पहला वर्ड हमारा जीनस, सेकंड स्पीसीज को हो जाएगा। ओके एंड नेक्स्ट चौथा रूल हमारा जो है कि जो पहला वर्ड है वो जीनस को डिनोट करने वाला कैसे होता है, वो कैपिटल लेटर में हो जाता है, वो कैसे होगा, वो कैपिटल लेटर में जाएगा, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट जो सेकेंड वर्ड है वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ओके स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, जैसे आप देख सकते हो मैंने जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान दो, ये सेकेंड वर्ड हमारा क्या है, सेकेंड वर्ड हमारा स्मॉल में है और पहला वर्ड क्या है, कैपिटल में होना चाहिए ये। एंड नेक्स्ट क्या है, इसमें जो साइंटिस्ट का नेम लिखा जाता है इसके लास्ट में वो कैसा होगा, लिखा जाएगा लिन। ओके लिन ये हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या बात कर रहा है कि इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विथ एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, जैसे मैंने आपको दिखाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, तो इसमें जो साइंटिस्ट जिसने खोजा था उसका नेम मैंने स्पेसिफिक के बाद में लिख दिया, बिल्कुल आपको दिखा दिया, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम के बाद लिखा जाएगा, बिल्कुल सही है। एंड रिटन इन द एब्रीवेटेड फॉर्म, एब्रीवेटेड फॉर्म में क्या होगा,
मीन्स ये छोटा सा लिखा जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। जैसे मैंगी फेरा इंडिका, ये क्या हो जाएगा, मैंगी फेरा इंडिका लिन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में, देख सकते हो पेज पर, और जो मैंने लिखा हुआ आप यहाँ भी देख सकते हो इसको, मैंगी फेरा इंडिका, यहाँ पर लिन लिखा हुआ। यहाँ पर लिन क्या है, लिन क्या बताता है कि इसका सबसे पहले किसने खोजा था, इसको लिनियस साहब ने इसको डिस्कवर किया हुआ था। ओके बच्चों, समझ में आ गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो रट डालो। मैं दोबारा आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, यहाँ पर कि आपको जिससे याद हो सके। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर बिल्कुल रट डालो। पहला रूल क्या है कि जनरली लैटिन में होंगे और इटैलिक लिखे जाएंगे। सेकंड वर्ड क्या है, सेकंड रूल हमारा है कि पहला जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा एंड सेकंड वर्ड स्पेसिफिक रिप्रेजेंट करेगी। तीसरा रूल क्या है कि जो बायोलॉजिकल नेम होगा हाथ से लिखे जाएंगे तो उसको अंडरलाइन किया जाएगा, जबकि प्रिंट होगा तो इटैलिक या तिरछा प्रिंट किया जाएगा। चौथा रूल क्या है, बताता है कि पहला वर्ड हमारा जीनस कैपिटल से होगा जबकि स्पेसिफिक ये स्मॉल लेटर से हो जाता है। अब यहां से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप तुरंत इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लो। अभी मैं आपको क्वेश्चन यहां पर दिखा दे रहा हूं। बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये हमारा जो पहला है, हम बात करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमने जो पढ़ा उसमें क्या बोल रहा है, सिलेक्ट दी करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम। तो करेक्टली साइंटिफिक नेम किसका, मैंगो की बात कर रहा है। किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट डिस्कवर बाय कार्लोस लिनियस द्वारा जो मैंगो डिस्कवर किया गया था उसका करेक्टली साइंटिफिक नेम बात कर रहा है। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम पता है, मैंगी फेरेंडिका होता है। तो मैंगी फेरेंडिका है, ऑप्शन नहीं मैंगी फेरेंडिका, बट रूल क्या है, ये जीनस कैपिटल होगा और स्पेसिफिक छोटा होगा, बट यहाँ क्या है कैपिटल दिया हो स्पेसिफिक, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, बी मंजी फेरा इंडिका, मंजी फेरा कैपिटल में करेक्ट, इंडिका इस्तेमाल में है करेक्ट है। और कार्लिन, इसमें करोलस भी छोटा दे दिया, लिन भी दे दिया ना, तो साइंटिफिक नेम केवल एब्रिवेटेड है, एक लिखा जाएगा दोनों नहीं लिखा जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। सी की बात करें, मैंगी फेरा इंडिका लिन बिल्कुल करेक्ट है, मैंगी फेरा कैप्टन हो गया, इंडिका छोटे हो गया, लिन भी हमारा एब्रिवेटेड हो गया, बिल्कुल करेक्ट, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी की बात करें, मैंगी फेरा इंडिका तो सही है बट यहाँ पर साइंटिफिक नेम नहीं है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों हमने देख लिया हमारा कौन सा सही है, हमारा तीसरा मीन्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नीट 2019 में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन के रूल के अनुसार, क्या अगेंस्ट है मींस कौन सा गलत है। ऑप्शन ए हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, बिल्कुल करेक्ट है, हैंड रिटन जो होगा अंडरलाइन होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, अभी आपने पढ़ा इसको। ओके, बी एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल उसका एक जेनरिक ने और एक स्पेसिफिक एपिथेट, ये बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या दिया, साइंटिफिक नेम आर जनरली इन द लैटिन, बिल्कुल करेक्ट है, शुड बी इटैलिसाइज्ड, यस ये भी बिल्कुल करेक्ट है, लैटिन होते हैं इटैलिसाइज्ड होने चाहिए। ओके, जबकि बात कर रहा है कि ये डी डी की बात कर रहा है कि जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी राइटिंग स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर, क्या रिटेन जैसे लिखे जाते हैं क्या दो के दोनों स्मॉल लेटर में होते हैं, दोनों स्मॉल में नहीं होते हैं, बल्कि जेनरिक क्या होगा ये कैपिटल होता है और स्पेसिफिक एपिथेट ये स्मॉल हो जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। आप इसका आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है हमारा रूल पर आ जाओ, रूल आप देख लो, जो भी आपने डिस्कस किया रूल, ये जनरली लैटिन होते हैं और इटैलिसाइज ये लिखे जाते हैं, जबकि पहला वर्ड क्या था हमारा जीनस, सेकंड स्पेसिफिक ये भी बिल्कुल सही था, तीसरी की बात करें बायोलॉजिकल नेम जनरली हैंड रिटन अंडरलाइन ये भी सही था, जबकि चौथा रूल क्या था कि चौथा रूल में वहां दिया था जीनस और स्पीसीज दोनों छोटे लिखे जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि जीनस स्पीसीज, इसका चौथा ऑप्शन देखिए डी जनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग है स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर केवल कौन सा होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल में केवल और केवल स्पीसीज वाला स्मॉल में, और जीनस कैपिटल में होता है इसलिए गलत है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मींस टू मेक दिस पॉसिबल। तो पहला पॉइंट में क्या बोला कि नियरली इम्पॉसिबल है ऑल लिविंग थिंग का स्टडी करना, क्योंकि टोटल कितनी लिविंग थिंग थी, 17 लाख से कितनी 18 लाख स्पीसीज थी, 1.7 to 1.8
मिलियन था, 31 पीसीज है क्या? सभी का ये स्टडी करना अलग अलग पॉसिबल है? सभी का पॉसिबल नहीं है, वही बोल रहा है इट इज नेसेसरी, ये जरूरत पड़ी कि इसकी एक डिवाइस बनाने की जिससे कि इन 17 से 18 लाख जातियों को स्टडी किया जा सके, इस प्रोसेस को जो क्या करे कि स्टडी करने में सहायक हो, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहला देता है। तो क्लासिफिकेशन द्वारा हम सारी स्पीच का अध्ययन कर सकते हैं प्रोसेस को। ओके, तो वही बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन होता है क्या? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कॉन्वेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर। तो क्लासिफिकेशन हमारा वो हो जाता है कि हम किसी भी ग्रुप ऑफ स्पीसीज को, ग्रुप ऑफ कॉन्वेंट कैटेगरी में सुविधाजनक किसी भी स्पीसीज को एक समूह में क्या कर सके, एक कॉन्वेंट समूह सुविधाजनक कैटेगरी में उसको प्लेस कर सके, किस आधार पर? इजली ऑब्जर्वेबल करेक्टर के आधार पर। ओके, याद रखना कि ऑब्जर्वेबल करेक्टर के आधार पर किसी भी ग्रुप में प्लेस करना सुविधाजनक ग्रुप में प्लेस करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहला देता है। ये डिफिनेशन क्लासिफिकेशन के रट डालो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा है कि वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट, हम सारे प्लांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि पौधा उसमें पत्ती पाई जाती है, हरा हरा होता है, उसमें ब्रांचेस होती हैं। और एनिमल्स, एनिमल की बात करते हैं वो क्या होता है कि एनिमल्स में बाल वगैरह पाए जाएंगे। ओके, या फिर एनिमल्स क्या होता है, वो मूव कर सकता है, प्लांट मूव नहीं कर सकता, आप उसको देख कर बता सकते हो कि एनिमल्स में आंख नाक कान ये सारी चीजें पाई जाएंगी, एनिमल्स के लक्षण पाए जाएंगे, पैर हाथ हो जाता है ये लक्षण होता है, देख करके आप बता सकते हो। तो किसका? ऑब्जर्वेबल करेक्टर के आधार पर आपने बताया ना कि एनिमल्स है ये प्लांट है। और डॉग कैट इंसेक्ट एनिमल्स को बता सकते हो, कुत्ता है बिल्ली है कि कीड़ा मकोड़ा है, आप किस पर कि पौधा एनिमल्स इन सबको आपने देखकर ही तो बताया ना कि कुत्ता बिल्ली है ये कीट मकोड़ा हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, ये पौधा है। इसी क्या बोलते हैं कि ऑब्जर्वेबल के आधार पर इसको ग्रुप करना क्लासिफिकेशन बोल दिया गया था। फिर बात कर रहा है कि द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म, हम बोल रहे हैं कि इस समय हम ये सारे टर्म को जैसे हम यूज करते हैं, वी एसोसिएट सर्टेन करेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, इन सभी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर हम रख लेते हैं, जैसे हमने कुत्ता बोला था कुत्ता के करेक्टर हमारे दिमाग में आ जाएंगे, क्या इसके करेक्टर होते हैं? व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग, जैसे आपने कुत्ता बोला आपके दिमाग में कुत्ते का तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि कुत्ता होता है, डॉग होता कैसे है, इसके चार पैर हो जाएंगे, चार लेग हो जाएंगे, लंबी इसकी क्या हो जाएगी, लॉन्ग इसकी माउथ हो जाएगा, दो इसकी आई या आंख हो जाती है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कुत्ते का स्ट्रक्चर। जबकि बात कर रहा है कि ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग, हमने सभी तुरंत सबके दिमाग में, हमारे सभी के दिमाग में कुत्ता बोलते ही कुत्ते का इमेज बन जाएगा। ओके, डाक बोला डाक का इमेज बन गया, लेकिन किसी के दिमाग में क्या बिल्ली का इमेज बना? बिल्ली का इमेज नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि आपको कुत्ते का लक्षण पता है, हमने बिल्ली बोला आपके दिमाग में तुरंत बिल्ली का लक्षण बन जाएगा। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एल्सेशन, एल्सेशन क्या होता है? अगर हम एल्सेशन की बात करें तो जबरदस्त जो लेबराडोर कुत्ता होता है उसको एल्सेशन बोलते हैं, जो हमारा पुलिस यूज करता है। वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जान जाते हैं कि हम बोलना क्या चाहते हैं, लेबराडोर कुत्ता के बारे में बोलना चाहते हैं। ओके, सिमिलरली सपोज वी से मैमल, इसी तरीके से अगर हम मैमल की बात करें, वी से मैमल्स की बात करते हैं, यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स, आप ऐसे एनिमल्स के बारे में सोचेंगे जिसके पास क्या हो, उसके पास बाहें कान हो, एक्सटर्नल ईयर हो, एक्सटर्नल बॉडी हेयर पाए जाएंगे और मेमरी ग्लैंड्स पाए जाएंगी, आप तुरंत मैमल के करेक्टर आ जाएंगे। ओके, लाइकवाइज इन प्लांट की अगर बात करें, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट व्हीट, अगर हम व्हीट की बात, गेहूं की बात करते हैं, द पिक्चर इन आवर माइंड विल बी वीट प्लांट का, हमारे दिमाग में केवल गेहूं का पौधे का प्लांट आएगा दिमाग में, हमारे दिमाग में एक चावल मीन धान का पौधा नहीं बनेगा, गेहूं बोलेंगे गेहूं पौधा बन जाएगा। ओके, आर एनी अदर प्लांट मीन ना धान का बनेगा ना किसी अदर प्लांट का, केवल गेहूं का पौधा बनेगा। ओके, हिंस ऑल दीज डॉग्स, ओके इस तरीके से ये सभी कौन कौन से, ये कुदुआ हो गया हमारा, ये बिलरिया हो गई, ये मैमेल हो गया, ये सब क्या है, ये हमारा व्हीट गेहूं, ये चावल हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, एनिमल्स, ये सब क्या है, एक सुविधाजनक कैटेगरी है, ये सब क्या है, सुविधाजनक कैटेगरी है जिनको हम बोलते हैं। वी यूज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए इन कैटेगरी का हम यूज करते हैं, दी साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी, वही बोल रहा है कि साइंटिफिक टर्म इस कैटेगरी को क्या बोला जाता है, टैक्सा बोल दिया जाता है ये। ओके, इनको टैक्सा बोल दिया जाता है, साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी नोन एज टैक्सा।
टैक्सा बोल दिया गया। हिंस हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दिस टैक्सा, आप इस टैक्सा को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। ओके, तो ये टैक्सा जो है ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा को डिनोट करेगा। ये जो कैटेगरी है डिफरेंट कैटेगरी डिफरेंट टैक्सा को डिनोट करती है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लांट की बात करें आल्सो फॉर्म ऑफ टैक्सा, पौधा हमारा क्या है टैक्सा है, वीट क्या है आल्सो टैक्सा हो जाएगा, ये भी टैक्सा होगा, एनिमल्स ये भी टैक्सा हो जाएगा, मैमल्स ये भी टैक्सा हो जाएगा, कुत्ता ये भी टैक्सा हो जाएगा, सभी टैक्सा है। बट क्या है ये बच्चों, बट यू बात कर रहा है यहां पर कि बट यू नो दैट डॉग इज ए मैमल, आप जानते हो कि कुत्ता क्या है, ये हमारा क्या स्तनधारी या मैमल है, मैमल क्या है एक एनिमल्स हो जाता है, देयरफॉर एनिमल्स ओके मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। अब हम बता रहे हैं कि किस लेवल का टैक्सा की बात कर रहा है, एनिमल की बात करेगा, एनिमल किस लेवल का टैक्सा हो जाएगा, ये किंगडम एनिमलिया मींस किंगडम लेवल का टैक्सा हो जाएगा, जबकि अगर मैमल की बात करेंगे तो मैमल क्या हो जाएगा ये क्लास लेवल का टैक्सा हो जाएगा, क्योंकि क्लास कैटेगरी है ना, वही बात कर रहे हैं। अगर कुत्ते की बात करेंगे, कुत्ता क्या है एक स्पीसीज या जात को बताता है, तो क्या हो जाएगा स्पीसीज लेवल का टैक्सा हो जाएगा। ओके, वही कह रहा है डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ये टैक्सा हो जाएंगे। ओके, हिंस बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई किया जाएगा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड टैक्सोनॉमी बोल दिया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट लेवल या टैक्सा में क्लासिफाई करना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहला देती है। ओके, तो आप यहाँ रट डालो ऑल ऑर्गेनिज्म मींस कि करेक्टर के आधार पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना डिफरेंट टैक्सा में क्या कहलाएगा, ये टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण बोल दिया जाएगा। बिल्कुल रट डालो, टैक्सोनॉमिक डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में करेक्टर के आधार पर क्लासिफाई करना टैक्सोनॉमी कहला देता है। ओके, सो अब आगे बात कर रहा है, क्या बोल रहा है बेटा देखो यहाँ पर। ओके, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल को ले लिया जाए, डेवलपमेंटल प्रोसेस को ले लिया जाए एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ले लिया जाए ऑफ ऑर्गेनिज्म के एंड एसेंशियल एंड फॉर्म अ बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी का क्या क्या बेसिस है, वही बात कर रहा है क्या, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल ये हो जाएगा, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो जाएगी हमारी और डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है हमारा, ये टैक्सोनॉमी का ये बेसिस हो जाता है। ये आप देख सकते हो, फिर से दोबारा ध्यान दे दो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये चीजें हमारी क्या हो गई, ये टैक्सोनॉमी की बेसिस हो जाती है। जबकि अगला पॉइंट क्या बात कर रहा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नामकलेचर, ये क्या प्रोसेस दैट बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी के बेसिक है। तो क्वेश्चन बेटा क्या बोल देगा कि टैक्सोनॉमी का क्या बेसिस हो जाता है, इसको कैसे याद करोगे, CICN, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नामकलेचर, ये हमारा बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी हो जाता है। ये बिल्कुल रट डालो इस पॉइंट को, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि टैक्सोनॉमी इज नॉट अ समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण कोई ये नया चीज नहीं है, बल्कि ह्यूमन बीइंग ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन द नोइंग मोर, ओके, मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन बीइंग जो है ये इंटरेस्टेड था किसके बारे में, ज्यादा से ज्यादा जंतुओं के बारे में जानने के प्रति इंटरेस्टेड रहता था, किस आधार पर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके कौन से यूज के लिए है, क्या प्रयोग किया जा सकता है, प्रत्येक एनिमल को जानने की कोशिश करता था। ओके, अर्ली डेज मीन शुरुआत के दिनों में क्लासिफाई करने के लिए क्या था, ह्यूमन क्या था, ह्यूमन के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान ना, अब आपके लिए ढेर सारी चीजें हो गई, बट आज भी वही बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई किस लिए करो, डॉक्टर किस लिए बन रहा हो, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आपको खाना मिलेगा, खाना खरीदोगे और क्या करोगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे और क्या करोगे, उस पैसे से अच्छा सा घर बना लोगे और क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। तो जो पहले नीड थी
आज भी हमारी बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान ही है। उसी के आधार पर अर्ली डेज भी क्या था, ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड, क्या फूड, रोटी, कपड़ा एंड मकान के आधार पर ये ढेर सारे सोर्स को ये क्या करता था, ये खोजता था, ये पता लगाता था कौन कौन सा चीज चाहिए था। ओके, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। वही है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पर था, क्वेश्चन क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पर बेसिस था, ये हमारा कि ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज किया जा सकता है, अपने प्रयोग में किया जा सकता है यूज, इसी पर बेसिस था। तो हम है ही इस तरीके से, प्रत्येक जंतु हो पौधा हो खोजते रहते हैं कौन से जंतु पौधे से हमारे क्या यूज में आ जाएगा। हम लोग बहुत स्वार्थी किसके हैं, मीन्स ह्यूमन जो है बहुत स्वार्थी, पूरे पृथ्वी पर सबसे स्वार्थी ह्यूमन है, हर चीज को अपने यूज करता रहता है। ये बैक्टीरिया जो कि इतना खतरनाक था, बीमारी का आज करता था, वायरस का आज करता था, वायरस को पकड़ कर अपने यूज में ले लिया, वैक्सीन बनवा लिया उसका। बैक्टीरिया क्या एंटीबायोटिक निकलवा रहा है, फर्मेंटेशन करके पीने के लिए दारू बनवा रहा है, बियर बनवा ले रहा है, क्या कर रहा है, उस छोटे से ऑर्गेनिज्म को भी नहीं छोड़ा उसने, उसको भी अपने लिए यूज कर लिया। तो सोचो, और बैक्टीरिया को यूज करके क्लासिफाई भी कर लिया, कौन सा बैक्टीरिया हमें पीने के लिए मिलेगा, कौन सा बैक्टीरिया हमको खाने के लिए मिलेगा, कौन से से मिलेगा। तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करा, इसी से बेसिस पर करता था ना पहले। ओके, तो अब हम फाइनली अगले पैराग्राफ पर चलते हैं बेटा। इसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन क्या था कि केवल जानने में ही उत्सुक नहीं रहता था ऑर्गेनिज्म को, बल्कि उसके डायवर्सिटी को भी जानता था, बट आल्सो रिलेशनशिप, उनसे संबंध को भी जानने की कोशिश करता था। ओके, केवल उसके साथ साथ जानना नहीं, जानने के साथ साथ उसकी कितनी किस्में पाई जाती हैं, उनके साथ क्या संबंध है, सब कुछ जानने की कोशिश करता था। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी मतलब ऐसी ब्रांच ऑफ स्टडी जिसमें उसको उसकी क्या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जाना जाए, उसकी डायवर्सिटी को जाना जाए, उसकी रिलेशनशिप को जाना जाए, इस ब्रांच ऑफ स्टडी को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोल दिया जाता है, ये सिस्टमैटिक बोल देंगे। ओके, समझ आ गया बेटा। ओके, तो सिस्टमैटिक टर्म कहाँ से आया था, ये लैटिन ओरिजिनेटेड है, तो सिस्टमैटिक कहाँ से आता है, लैटिन ओरिजिनेट होता है, और किससे, कौन सा वर्ड, सिस्टेमा से, सिस्टमैटिक बना हुआ था। सिस्टेमा मीन्स क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म था ये। ओके, जब लिनियस ने क्या किया था, लिनियस ने सिस्टमेटिक को करने के लिए, मीन सिस्टमेटिक के लिए उन्होंने क्या बुक अपनी पब्लिश की थी, अपनी बुक को पब्लिश किया, उसका क्या नाम दिया लिनियस ने, उसको सिस्टेमा नेचुरी नाम दे दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी बुक है, ये लिनियस की बुक सिस्टेमा नेचुरी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन। तो सिस्टमेटिक में आगे चलकर क्या क्या इंक्लूड किया गया, आगे चलकर सिस्टमेटिक्स में ये आइडेंटिफिकेशन, नामक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, और साथ में क्या इंक्लूड किया गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इंक्लूड कर दी गई थी सिस्टमेटिक्स में, चार चीजें इंक्लूड कर दी गई। ओके, क्या क्या की गया, फिर से देख लो इसको, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन, नामक्लेचर, क्लासिफिकेशन, तीन हो गई, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, चार चीजें इंक्लूड की गई सिस्टमेटिक्स में। ओके, तो अब हमारा ये बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाता है और हम चलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पर, बट सिस्टमेटिक से रिलेटेड डिपोर्ट यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, ये आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द नोइंग ऑर्गेनिज्म, केवल जानने के सिवाय साथ साथ क्या डिफरेंट काइंड ऑर्गेनिज्म को जानता था, उनकी बायोडाइवर्सिटी भी जानता था, ये क्या था, और उसके रिलेशनशिप भी, संबंध भी जानने की कोशिश करता था, क्या कहलाता था, सिस्टमेटिक कहलाता था। अभी आपने देखा ये डायरेक्ट डेफिनेशन आई हुई है। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, आपने क्वेश्चन देख लिया सिस्टमेटिक से कैसे क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं था। ओके, बल्कि इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप को इन्वॉल्व करता था, विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी, प्रत्येक स्टेप को रैंक और कैटेगरी बोलते थे। आप पहले देख लो कि ये स्टेप्स क्या क्या थे, किसको और किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा यहाँ पर देख सकते हो क्या दिया हुआ है कि आप देखो, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम के बारे में, ये क्या है, ये प्रत्येक स्टेप को क्या बोल दिया जाता है, इसको
इसको रैंक बोल दिया जाएगा और स्टेप बोल दिया जाता है ये, ओके, या इसी को क्या बोला जाता है, ये टैक्सन बोल दिया जाता है ये, ओके। तो हमारा क्या है, ये कैटेगरी को डिनोट करता है। तो प्रत्येक स्पीसीज, जीनस, फैमिली, कोई भी कहीं पर होगा, ये क्या बताएगा, एक बताएगा इसके बारे में, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को बताता है प्रत्येक स्टेप। तो ये स्पीसीज कैटेगरी है, जीनस कैटेगरी है, फैमिली कैटेगरी, ऑर्डर, क्लास, सब कैटेगरी है। प्रत्येक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एक टैक्सन को डिनोट करती है, टैक्सन को बताती है, टैक्सन को रैंक या स्टेप बोल देते हैं, ओके। तो जो टैक्सन है ये एक रैंक या पद या स्टेप बोल दिया जाता है। तो प्रत्येक चाहे स्पीसीज हो, सब क्या है, ये टैक्सन है। जीनस हमारा क्या है, टैक्सन। फैमिली टैक्सन है, ऑर्डर टैक्सन है, क्लास टैक्सन है। तो साइंटिफिक टर्म टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए क्या है, ये टैक्सन हो जाता है, ओके। तब यहाँ पर ढेर सारे टैक्सन हो गए, प्रत्येक टैक्सन अगर ढेर सारे जीनस, टैक्सन, फैमिली, ऑर्डर, इन सब को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो टैक्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, ये टैक्सा हो जाता है। तो टैक्सा क्या है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि टैक्सन का प्लूरल है, ढेर सारे मिल करके। अगर स्पीसीज की बात करेंगे, टैक्सन वर्ड यूज करेंगे, फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब कुछ इकट्ठा करके बोल देंगे तो ये टाइप ऑफ टैक्सा हो जाएगा। टैक्सा क्या, प्लूरल है, टैक्सन सिंगुलर है, सिंगल एक वचन है, टैक्सा बहुवचन हो जाता है, ओके। और इसी प्रत्येक स्टेप को जितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इन्हीं को बात कर रहा है कि सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मिल करके क्या बनाती है, ये बनाती है टैक्सोनॉमिक, ये हायरार्की फॉर्मेशन कर देती है। क्या बनाती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना लेती है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। हम लोग चलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिस्कस करने के लिए। यहां पर आप देख सकते हो क्या बोल दिया गया इसको, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सिंस द कैटेगरी इज ओवर पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जो कैटेगरी था, अपने मैं बताया था कि क्या स्पीसीज है, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, और यही क्या है, ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, इसका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल देते हैं। और सारी कैटेगरीज आपस में मिल करके क्या फॉर्मेशन करती है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की फॉर्मेशन कर देती है। अभी मैंने बताया कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता क्या है, ओके, समझा क्या। ईच कैटेगरी, याद रखना, ईच कैटेगरी रिफर टू अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रत्येक कैटेगरी चाहे स्पीसीज हो, जीनस हो, कोई भी हो, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंट रैंक को बताता है, कॉमनली नेम्ड एज या टर्म्ड एज टैक्सन, और टैक्सा प्लूरा हो जाता है। अब आपको टैक्सन, टैक्सा, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये सब समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी चीजें बताई आपको, ओके। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। इंसेक्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की को आप एग्जांपल ग्रुप में देख सकते हो। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट मतलब ढेर सारे कीड़े मकोड़े के ग्रुप को इंसेक्टा बोल दिया जाता, कीट का ग्रुप बोल देते हैं, ओके। शेयरिंग कॉमन कैरेक्टर, सारे इंसेक्ट कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं, क्या, थ्री पेयर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, मींस तीन जोड़ीदार पाद या तीन जोड़ीदार पैर जो पाए जाते हैं, ये क्या है, कॉमन इंसेक्ट का कैरेक्टर हो जाता है। इट मींस इंसेक्ट आर द रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट, इंसेक्ट क्या, रिकॉग्नाइज किया जाने वाला ऑब्जेक्ट है, एंड कैन बी क्लासिफाइड भी किया जा सकता है। दस वर गिवन अ रैंक आर कैटेगरी, मींस इंसेक्ट को रैंक का कैटेगरी टर्न दे दिया जाता है। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप को आप दे सकते हो नाम, आरआरजीएम को आप दे सकते हो, बिल्कुल। रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कोई भी ग्रुप होगा वो एक कैटेगरी को डिनोट करता है। कैटेगरी फर्दर क्या डिनोट करती है, वो रैंक को डिनोट कर देती है, और रैंक को किसको करती है, रैंक या टैक्सन हो जाता है, प्रत्येक रैंक या टैक्सन। तो मिलना मिला जुला करके एक ही चीज है चीजें। इनफैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो रैंक या टैक्सन क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी दिया था क्या, कैटेगरी रिप्रेजेंट है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल आप ध्यान दो स्थानों पर ये क्लासिफिकेशन वर्ड यूज कर दिया इसने। तो मैं यहाँ पर इसको आपको मार्कर से हाईलाइट भी कर देता हूँ कि कैटेगरी को क्या बोलते हैं, ये हो जाता है हमारा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगा, और सारी कैटेगरी मिल करके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना देती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या था कि ये कैटेगरी क्या होती है, ये टैक्सोनॉमिक ओवरऑल कैटेगरी जो होगी, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है,
टैक्सोनॉमी कैटेगरी बोल देते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा कि रैंक ऑफ टैक्सन जो है क्या शो करते हैं, यूनिट ऑफ ये क्लासिफिकेशन शो कर देते हैं। अब मीडिया अलग कर दिया, बिल्कुल आपको समझा गया होगा कि जो जो हाईलाइटेड है वही सारे इंपॉर्टेंट इसमें है। तो रैंक ऑफ टैक्सन को ही क्या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोल देते हैं, और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ही कैटेगरी कहला देती है। ओके, सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलकर के टैक्सोनॉमिक हायरार्की, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की टैक्सन ये सब कंफ्यूजन बना रहता है, बट इस वीडियो से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मरली मार्फोलॉजिकल एग्रीगेट। तो ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप है केवल मार्फोलॉजिकल का ही एग्रीगेट ना होकर के एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल सजीव रूप ये हो जाते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम चल देते हैं अगली पैराग्राफ पर बच्चों। बेटा आप ये पैराग्राफ देखो, उसमें क्या बोल रहा है कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम। ओके, तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए सभी नोन ऑर्गेनिज्म के लिए, ओके सभी ऑर्गेनिज्म की बात करेगा, अगर सभी नॉन ऑर्गेनिज्म की बात करेगा तो हमने एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दिया, उसका क्या नाम दे दिया, उसका नाम दे दिया हमने किंगडम। ये नॉन ऑर्गेनिज्म के लिए हो गया, ठीक है। और एनिमल्स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ये फाइलम टर्म यूज कर देते हैं हम लोग, क्या यूज कर देते हैं फाइलम टर्म यूज कर देते हैं। जबकि प्लांट के लिए, सभी नॉन प्लांट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सारे नॉन प्लांट के लिए हम लोग डिवीजन टर्म यूज कर देते हैं, प्लांट के लिए डिवीजन टर्म यूज कर देते हैं हम लोग जो है। ओके, तो आप फाइनल फाइलम न यूज करके प्लांट, और प्लांट के लिए हम लोग किंगडम प्लांट यूज कर दिया। तो सभी नॉन ऑर्गेनिज्म चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, इन सबके बारे में बता रहा है कि किंगडम फाइलम ये क्लास, ओके क्लास हो जाएगा, देन फाइनली ऑर्डर हो जाएगा, एंड नेक्स्ट फैमिली हो जाएगी, एंड नेक्स्ट जीनस हो जाएगा, और नेक्स्ट फाइनली हमारा हो जाता है स्पीसीज। तो सभी नॉन ऑर्गेनिज्म को इन रूप में क्लासिफाई करना ही क्या कहता है, टैक्सोनॉमिक। तो सभी नॉन ऑर्गेनिज्म को इसी इन सारे स्टेप में क्लासिफाई करना टैक्सोनॉमिक कहला देता है, और ये टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम हैव स्पीसीज एज लोवेस्ट कैटेगरी। चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, इन सभी की सबसे लोवेस्ट कैटेगरी जो होती है क्या बोलते हैं उसको, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी बोल दी जाती है ये हमारी स्पीसीज। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीसीज हमारी क्या है बेटा, ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी हो जाती है चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। ओके, अब बात कर रहा है कि नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन द वेरियस कैटेगरीज, इन ढेर सारे ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में कैसे प्लेस किया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम इसको बताएंगे कि कैसे प्लेस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ करेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बेसिस ऑफ ये क्लासिफिकेशन क्या है, किस आधार पर कैटेगरीज में हम लोग प्लेस करते हैं, इसके लिए प्लेस करने का तरीका ये है कि हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, उस एनिमल्स के बारे में, उस प्लांट के बारे में, तभी आप उसको डिफरेंट कैटेगरी में प्लेस कर सकते हो। जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा आप उसको कैटेगरी में प्लेस नहीं कर सकते हो। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज, आप उसके बारे में जानते हो तो उसके सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी आप पता कर सकते हो, क्या सिमिलरिटी क्या डिसिमिलरिटी है अमंग द इंडिविजुअल के बारे में। आप द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म मींस, आप सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे आप ले लो कि बिल्ली हो गई, बिल्ली की बान क्या हो जाएगी, आपकी सिरनी हो जाएगी, आपका जो है तेंदुआ हो जाएगा, सब क्या है उसी फैमिली के है ना। तो आप कैसे अलग करते हो बिल्ली है तेंदुआ है शेर है, जब आपके बारे में उसके लक्षण के बारे में पता होगा तभी तो आप उसको करोगे बिल्ली है शेर है तेंदुआ है, तभी तो अलग कर सकते हो ना। सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता होना चाहिए एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुत्ते का लक्षण क्या है बिल्ली का लक्षण क्या है, तभी आप उसको अलग कर सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट, अब हम पहली हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सन है स्पीसीज।
अब हम इस पैसेज को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां दे रहा है कि टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीशीज। मतलब कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यहां याद रखना कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज को क्या बोलते हम लोग, स्पीशीज बोल देंगे इसको। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर्स क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। एक स्पीसीज दूसरे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से कैसे डिफरेंट कर सकती है, ये क्या है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे हमारी बिल्ली है, बिल्ली की दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या है, शेरनी है। तो आपके पास मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होना चाहिए, बिल्ली छोटी होती है, शेरनी बड़ी होती है। ओके, तो ये आपके पास मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होगा, तभी आप उसको बिल्ली के ग्रुप में, उसको शेरनी के ग्रुप में प्लेस कर सकोगे। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है कि लेट अस कंसीडर मंगीफेरा इंडिका की बात करें। अगर मंगीफेरा इंडिका की बात करें, ओके, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो की बात करें, पैंथेरा लियो लियान मींस शेर की बात करें, ऑल थ्री नेम इंडिका, किसकी बात कर रहा है यहां पर, ये इंडिका की बात कर रहा है, ट्यूबरोसम की बात कर रहा है एंड लियो की बात कर रहा है, रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये थ्री नेम कौन कौन से, इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये स्पीसीज को बता देंगे। ओके, नेक्स्ट कर रहा है, जबकि पहला वर्ड कौन सा, ये मैंगीफेरा सोलेनम पैंथेरा, ये जिंद्रा को रिप्रेजेंट कर देते हैं ये। ओके, जो कि हायर लेवल की ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो जाती है। किससे हायर, ये हायर हो जाती है, स्पीसीज से हायर लेवल की हो जाती है। ईच जीनस, नेक्स्ट बात कर रहा है कि ईच जीनस मे है वन आर मोर देन वन स्पीसीज, एक जीनस के अंदर एक या एक से अधिक स्पीसीज हो सकती हैं। ओके, आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज रिप्रेजेंट करेंगे बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। एक जीनस के अंदर अगर ढेर सारी स्पीसीज है, मतलब मींस अगर एक हमारा ये क्या हो जाएगा, जीनस हो गई, इसके पास एक स्पीसीज वन हो गई, ये स्पीसीज दो हो गई, ये स्पीसीज तीन हो गई, तो तीन की तीनों तभी जीनस में रखेंगे जब इनके अंदर क्या हो, इनके पास में क्या हो, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होगी, तभी एक जीनस में प्लेस किए जा सकते, नहीं तो नहीं प्लेस किए जा सकते हैं। ये एक से अधिक स्पीसीज को किसी एक जीनस में रखना होगा तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें यहां पर क्या, पैंथेरा को। ओके, यहाँ पर पैंथेरा को अगर लेते हैं तो बात कर पैंथेरा के लिए, तो इन अदर स्पीसीज हो जाएगी किसकी, कार्ड टिग्रिस। पैंथेरा की इन अदर स्पीसीज एक टिग्रिस हो जाती है एंड सोलेनम की इन अदर स्पीसीज क्या हो जाएगी, निग्रम हो जाएगी एंड मिलजना हो जाएगी। तो पैंथेरा टिग्रिस मींस हमारा ये क्या हो जाएगा, ये तेंदुआ हो जाएगा एंड सोलेनम क्या, निग्रम मकोय हो जाएगी, सोलेनम मिलजना बैगन हो जाएगा। तो सोलेनम की हमारी क्या, तीन स्पीसीज हो गई, सोलेनम ये हो गया हमारा, ट्यूबरोसम कहा गया, ट्यूबरोसम, अब ट्यूबरोसम देखो ये रहा सोलेनम ट्यूबरोसम, और बच्चों ये रहा सोलेनम निग्रम, और ये रहा बच्चों सोलेनम मिलोजना। ओके, तो तीन स्पीसीज हमारी सोलेनम की हो जाती है। ओके, और दो स्पीसीज हमारी किसकी किसकी है, ये रहा पैंथेरा लियो, ये रहा पैंथेरा लियो, और ये हो जाता है पैंथेरा टिग्रिस, ये हमारी किसकी है, ये पैंथेरा की हमारी दो स्पीसीज हो जाती है पैंथेरा जीनस की। ओके, वही बात कर रहा है कि ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज सेपियंस, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन सेपियंस में भी स्पीसीज से बिलोंग करता है, व्हिच इज ग्रुप इनटू जीनस होमो, तो ह्यूमन को होमो जीनस में रखते हैं, स्पीसीज जीनस बिलोंग करता है, इसका स्पीसीज कौन सा है, सेपियंस हो जाएगा इसका। ओके, तो साइंटिफिक नेम दस ह्यूमन बीइंग रिटन एज होमो सेपियंस, आपको समझ में आ चुका होगा हमने क्या कहना चाहा। अब हम चलते हैं जीनस को डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ, जीनस जो होगा हमारा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हो जाएगा। ओके, या ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हो जाता है हमारा जीनस। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है कि इसके पास मोर करेक्टर इन कॉमन इन द कंपेरिजन टू स्पीसीज आप अदर जिंदा। ओके, अगर दो जिंदा एक जिंदा ये हो जाएगा, ओके एक जिंदा यहाँ पर ये हो गया, तो इसके पास स्पीसी हमारी आ गई क्या, इसके पास यस पी वन यस पी टू, इसके पास क्या होगी दूसरी स्पीज, स्पीसीज वन, इसके पास स्पीसीज टू। तो वही बात कर रहा है, इसके पास जो स्पीसीज है
और जो जीनस हमारा दूसरा वाला जीनस है इसके स्पीसीज के मुकाबले क्या है, यहाँ पर क्या है ये तो बेटा बात क्या कर रहा है कि इस जनरा में स्पीसीज 1 है, इस स्पीसीज दूसरे जनरा में स्पीसीज 2 है, तो स्पीसीज 2 के मुकाबले स्पीसीज 1 में ज्यादा सिमिलरिटी है ना, तभी हमारा इस जनरा 1 में रखा गया है। ओके, इन स्पीसीज में स्पीसीज 1 2 में ज्यादा सिमिलरिटी इस जनरा 2 में रखे गए, तो स्पीसीज इस ग्रुप में इस ग्रुप में अलग अलग डिफरेंट सिमिलरिटी है, मीन्स दोनों में अलग अलग सिमिलरिटी हो जाती है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट जनरा में रख दिए जाते हैं। ओके, सो बात कर रहा है, वी कैन से दैट जिनरा आर द एग्रीगेट ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीसीज। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनेगा, जिनरा क्या होता है, ये क्लोज रिलेटेड स्पीसीज का ये एग्रीगेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा है, एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज हो जाती है, बट सेम बिलोंगिंग जिनरा कौन सा, सोलेनम से बिलोंग करेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सोलेनम जिनरम क्या आएगा, हमारा पोटैटो आ जाएगा, ब्रिंजल दो के दोनों आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है, लियन एंड लेपर्ड एंड टाइगर तीन स्पीसीज थी, लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस और पैंथेरा टिग्रिस, ये टाइगर का हो जाता है। ओके, तो इसमें क्या है, ये सेवरल कॉमन फीचर हो जाते हैं और सभी को जीनस किसमें, पैंथेरा जीनस में रख दिया जाता है तीनों स्पीसीज को। नेक्स्ट बात कर रहा है कि दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट, तो ये पैंथेरा जीनस की बात कर रहा है जिसमें क्या है, पैंथेरा लियो लायन शेर है, पैंथेरा पार्डस चीता है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर है, तो ये शेर चीता और टाइगर इनका जीनस पैंथेरा है ये। ओके, जबकि बिल्ली का जीनस जो कैट मींस बिल्ली का जीनस है उसका फेलिस जीनस है, ये फेलिस जीनस और पैंथेरा जीनस ये अलग अलग हो जाते हैं, तो फेलिस जीनस में कैट आ जाएगी, पैंथेरा में ये सब आ जाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि बिल्ली किस जीनस में आएगी, फेलिस जीनस में आ जाएगी। ओके, अब हम बात करेंगे फैमिली की। ओके, नेक्स्ट हमारा है फैमिली, तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आ जाती है फैमिली, तो फैमिली में क्या है, फैमिली मींस नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा आ जाते हैं, मींस फैमिली ये हो गई, यहाँ पर क्या हो गए, ये जेनरा 1 जेनरा 2 आ गए, अब इसके अंदर क्या आ गई, स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 स्पीसीज 3 आ गई, इसके पास क्या आ जाएंगे, इसके पास स्पीसीज हमारे पास आ जाएंगे स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 एंड स्पीसीज 3, तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिलकर के जीनस बना, डिफरेंट डिफरेंट जीनस मिलकर के फाइनली फैमिली बन जाएंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, हमारा क्या होगा, करेक्टर कॉमन घटता जाएगा। ओके, सो बोल रहा है कि वही बोल रहा है कि स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, तो जीनस और स्पीसीज के मुकाबले डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में लेस सिमिलरिटी हो जाती है। फैमिली आर दी करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, तो बोल रहा है यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है कि फैमिली क्या है, कि फैमिली करेक्टराइज किस पर होती है, बेसिस पर, बोथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज के आधार पर फैमिली को करेक्टराइज किया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है कि ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा हो जाती है इसको। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है कि एमंग द प्लांट, फॉर एग्जाम्पल प्लांट की बात की जाए, प्लांट में तीन जनरा कौन कौन से, तीन जनरा है ये, तीन डिफरेंट जनरा सोलेनम पेटोनिया एंड धतूरा किस फैमिली रखे गए, फैमिली सोलेनेसी में प्लेस किए जा चुके हैं। ये बिल्कुल रट डालो आप इसको कि यहाँ पर जो हमारी सोलेनेसी फैमिली है इसमें क्या क्या रखे गए हैं, सोलेनम ये जीनस को, पेटूनिया जीनस को, धतूरा जीनस को किसमें रखा गया है, ये सोलेनेसी फैमिली में रखी गई है, रट डालो। एमंग द एनिमल्स की बात करें तो जीनस की बात कर रहा है, एमंग की जीनस मींस अगर जीनस पैंथेरा की बात कर ले, पैंथेरा जीनस कंपराइजिंग पैंथेरा जिसमें क्या लायन टाइगर लिपर्ड आ जाता है, किसके साथ, ये बिल्ली वाले जीनस के साथ रखा गया है, किस फैमिली में, फेलेडी फैमिली में रख दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल रटना है कि ये पैंथेरा जीनस को ये फेलिस जीनस के साथ किस में रखा गया है, ये बिल्ली वाली फेलेडी में रख दिया गया है, ये फेलेडी फैमिली में रखा गया। तो फेलेडी फैमिली के दो जीनस है, पैंथेरा और फेलिस, बिल्कुल रट डालो। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व दी फिगर ऑफ कैट, फीचर ऑफ कैट
एंड अ डॉग की बात करो, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी, कुछ सिमिलरिटी होंगी, सम डिफरेंस, कुछ सिमिलरिटी होंगी, कुछ डिफरेंस भी होंगे। इसीलिए इन दोनों बिल्ली को और कुत्ते को अलग अलग फैमिली में रख दिया गया है, अलग अलग फैमिली में रख दिया गया है। किसमें किसमें रखा गया, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें ये फेलेडी और कैनेडी में अलग अलग फैमिली में रखा गया है ये। ओके, तो बात कर रहा है फेलेडी में किसको रखा जाएगा, फेलेडी में आ जाएगी हमारी बिल्ली आ जाएगी। ओके, और कैनेडी हमारा कुतुआ आ जाएगा। ओके क्लियर। और फेलेडी में क्या आता था हमारा, ये पैंथेरा जीनस और ये फेलिस जीनस को फेलेडी फैमिली में रखा गया, और इस फैमिली को ये फैमिली हो जाती है और कुत्ते वाले को कैनेडी फैमिली में रख दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा है, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। ओके, तो तीन की बात कर रहा है, कौन कौन से तीन हो। ओके, तीन हमारे हो गए, कौन कौन से हमारे बेटा, तीन हो जाते हैं, कौन से, स्पीसीज जीनस एंड फैमिली। किस पर बेसिस है, ये करेक्टर के सिमिलर करेक्टर पर बेसिस थे, मीन्स सिमिलर करेक्टर पर बेसिस थे। लेकिन ऑर्डर की बात करें एंड हायर कैटेगरीज की बात करें, किस पर बेसिस है, ये एग्रीगेट ऑफ करेक्टर पर ये बेसिस हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें स्पीसीज जीनस और फैमिली सिमिलर करेक्टर बेसिस है, नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर बेसिस है, बट की ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमी की बात करें तो एग्रीगेट ऑफ करेक्टर के इकट्ठे होने के का पर ये बेसिस हो जाते हैं ये। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, बिल्कुल ऑर्डर हायर हो जाता है फैमिली से, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली, मींस ऑर्डर क्या होता है, ये फैमिलीज का समूह हो जाता है, फैमिली समूह मींस ढेर सारे फैमिली इकट्ठे होकर के ऑर्डर बना लेते हैं। जबकि जो क्या करते हैं, एक्सिबिट सिमिलर फ्यू सिमिलर करेक्टर, कुछ ही सिमिलर करेक्टर, यहाँ पर तो फैमिली से भी सिमिलरिटी कम हो गई यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट सिमिलर करेक्टर लेस इन नंबर, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो सिमिलर करेक्टर क्या होता है, कम होता चला जाता है, हायर कैटेगरीज में लेस सिमिलर करेक्टर आते हैं टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड फैमिलीज। मींस जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाओगे स्पीसीज से किंगडम की ओर, आपकी फिर करेक्टरिस्टिक लक्षण कम होते जाएंगे सिमिलर वाले जो भी हैं। ओके, प्लांट फैमिलीज, यहाँ रट डालो इस पॉइंट को कि प्लांट फैमिलीज कौन से, कानुलेसी सोलेनेसी किसमें इंक्लूड किए गए हैं, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर पर बेसिस है, पूरा रट डालो इसको। तो बेटा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लांट फैमिली कानुलेसी एंड सोलेनेसी को किस ऑर्डर में रखा गया है, पॉलीमोनियल्स में रखा गया, किस बेसिस पर, फ्लोरल करेक्टर के बेसिस पर रखा गया है। अब हम एनिमल्स में आ जाते हैं, दी एनिमल्स ऑर्डर मीन्स एनिमल्स का ऑर्डर कौन सा, कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज फेलेडी एंड कैनेडी। ओके, तो एनिमल का ऑर्डर कार्निवोरा में ये फैमिली कौन सी, कैनेडी और फेलेडी रख दी गई। फेलेडी में कौन सा आता था, ये कैट वाली फैमिली आ जाती थी, कैनेडी में ये डॉग वाली फैमिली आ जाती थी, इन दोनों को उठा करके कार्निवोरा ऑर्डर में रख दिया गया था। नेक्स्ट हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्लास। ओके, दिस कैटेगरी इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर। ओके, ये ढेर सारे ऑर्डर मिलकर के हमारे क्लास बना देंगे, बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग, मीन्स प्राइमेटा ऑर्डर में क्या क्या आता है, ये इंपॉर्टेंट है। मंकी गोरिल्ला गिब्बन, ये हमारा ऑर्डर प्राइमेटा में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें रखा गया प्लेस इन क्लास मेमिलिया में रखा गया है, किसके साथ, ये मेमिलिया क्लास में रखा गया है, किसके साथ, विद ऑर्डर कार्निवोरा के साथ रख दिया गया, जो क्या इंक्लूड करता है, ये डॉग। ओके, जो कि कार्निवोरा ऑर्डर में क्या आ जाता है हमारा, ये डॉग कैट एंड टिगर आ जाते हैं हमारे कार्निवोरा ऑर्डर में। ओके, तो इसमें कर रहा प्राइमेटा ऑर्डर और कार्निवोरा ऑर्डर, इन दोनों को क्लास मेमिलिया में रख दिया जाता है। ओके, प्राइमेटा ऑर्डर में मंकी गोरिल्ला गिबन रट डालो, कार्निवोरा अभी हमने पढ़ा टाइगर कैट एंड डॉग आ जाते हैं, एंड क्लास मेमिलिया में अदर ऑर्डर भी आते हैं, टोटल क्लास मेमिलिया में 16 ऑर्डर आ जाते हैं। दो ऑर्डर आपको यहाँ दिया हो, एक ऑर्डर हो जाएगा कौन सा हमारा, कार्निवोरा, दूसरा ये प्राइमेट ऑर्डर, ये हो जाता है। जबकि घोड़े का मींस हॉर्स का ऑर्डर क्या था, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, पेर्सो डेक
टाइला था। ओके, पेरिसोडेक्टाइला, ये हमारा किसका ऑर्डर है? ये हॉर्स का ऑर्डर है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि हॉर्स का ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला ही हो जाता है। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे फाइलम को। तो फाइलम की बात कर रहा है कि क्लासेस कंप्राइजिंग मींस वो क्लासेस जो क्या कंप्राइज करते हैं एनिमल्स, लाइक क्या, फिश के क्लासेस, एम्फीबिया हो जाएगा, रेप्टाइल्स हो जाएंगे, बर्ड, ओके, एंड मैमल्स क्लासेस। ये सारे क्लासेस मिल करके किस में जाएंगे? ये फाइलम में रखे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम में रख दिए जाते हैं। तो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये क्लास हो जाते हैं किसके? ये हमारा जो है कार्डेटा फाइलम का, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये फाइलम में रख दिए जाते हैं, कार्डेटा फाइलम में रख दिए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना है, ऑल दी बेस्ड ऑन कॉमन फीचर, ये सारे क्लासेस जो है कॉमन फीचर कौन कौन से, लाइक अ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डार्सल हॉरल न्यूरल सिस्टम, सब में पाया जाता है, इसीलिए ये फाइलम कॉर्डेटा में रखे जाते हैं, इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। ओके, तो फाइलम कॉर्डेटा का लक्षण पूछ लेगा डायरेक्टली कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डार्सो हॉरल न्यूरल सिस्टम, ये फाइलम कॉर्डेटा में ये पाया जाता, ये है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, इनकेस आप प्लांट की बात करें, प्लांट में आप फाइलम कभी नहीं यूज करोगे, क्लास मिलकर के क्या बनाते हैं, डिवीजन बनाते हैं। इनकेस ऑफ प्लांट में क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर करेक्टर मिलकर के क्या, हायर कैटेगरीज डिवीजन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अब प्लांट की बात करें, प्लांट की केस की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये डिवीजन ये हो जाता है, ये तो प्लांट के केस में बेटा ये हो जाएगा हमारा डिवीजन। ओके, तो रट डालो, प्लांट के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर डिवीजन, एनिमल के लिए फाइलम यूज कर दिया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट लास्ट हायर कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, किंगडम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो ये सीक्वेंस, आप रट डालो, स्पीसी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन एंड किंगडम, ये रट डालो। अब हम लास्ट वाला डिवीजन, किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लास्ट जो है वो किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा किंगडम, लास्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, ढेर सारे फाइलम मिल करके क्या बनाते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी, हायर नहीं, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो किंगडम एनिमलिया में आ जाएंगे क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, जबकि किंगडम प्लांटे की बात करेंगे तो ये सारे के सारे हमारे प्लांट को इंक्लूड कर देता है, ढेर सारे प्लांट के डिवीजन जो होंगे वो हमारा किंगडम प्लांटी में आ जाएगा। तो हमारे पास दो किंगडम है, एक किंगडम एनिमलिया है, दूसरा किंगडम प्लांटी हो जाएगा। किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट आएंगे, किंगडम एनिमलिया में सारा एनिमल्स आ जाएगा। ओके, हेंस फोर्थ वी विल रिफर टू दीज टू ग्रुप एज एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम को डिफर कर देते हैं। ओके, दीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर हम बात करेंगे स्पीसीज से किंगडम की ओर, हैव बीन शोन इन एसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका क्या था, ये एसेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है, ऊपर की ओर जाने की ओर शो कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीसीज, फिगर वन दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है, दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज, हाउ एवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज। तो ये जो सारी कैटेगरीज हमारे ब्रॉड कैटेगरीज हैं, तो टैक्सोनॉमिस्ट ने क्लासिफिकेशन में सुविधा के लिए छोटी छोटी सब कैटेगरीज को भी डेवलप किया है, इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा को प्लेस करने के लिए। ओके बेटा, लुक एट द हायरार्की इन द फिगर, ये फिगर की बात कर रहा है, यू कैन रिकॉल दिस बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, सी एग्जाम्पल, वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर गोजान क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, स्पीसीज से इसकी ओर जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये करेक्टर, सिमिलर करेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। ओके, ये डिक्रीज होते चले जाएंगे। ओके, यही बात कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर रहा है कि
वी गो फ्रॉम हायर स्पीसीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, यही बात कर रहा था. ओके सो अब नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा होगा जहां से ढेर सारे क्वेश्चन भी आते हैं और इंपॉर्टेंट भी है. लोअर दी टैक्सामीन्स स्पीसीज की बात करेगा, मोर आर द करेक्टरिस्टिक सिमिलर, ढेर सारे करेक्टर सिमिलर हो जाएंगे ऑफ दैट अ मेंबर विद इन. नेक्स्ट बात कर रहा है लोअर द टैक्सा, मोर आर द करेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सन शेयर, उस टैक्सन में क्या होगा मोर करेक्टर को ढेर सारे मेंबर्स शेयर करते जाएंगे. जैसे स्पीसीज की बात करें तो जो मेंबर होंगे ढेर सारे लक्षणों को सारे स्पीसीज के मेंबर्स उस स्पीसीज के मेंबर शेयर करते रहेंगे. जैसे जैसे हायर द कैटेगरी, जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ग्रेटर द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा, अदर टैक्सा से कैसे रिलेशनशिप है हम उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं सेम लेवल पर. हेंस द प्रॉब्लम ऑफ द क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इसलिए टेबल वन इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैन, मैंगो, वीट बिलोंग कर रहा है. इस टेबल में आप डिस्कस कीजिए क्योंकि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, लगभग 2 to 3 times से क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है. यहाँ से भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसका. ओके जितना हमने पढ़ा सब क्वेश्चन करेंगे अभी. ओके तो कॉमन नेम मैन की बात कर रहा है, होमो सेपियंस हो जाएगा, बायोलॉजिकल नेम जीनस इसका होमो हो जाएगा, फैमिली होमिनिडी हो जाएगी, ऑर्डर प्राइमेट हो जाएगा, क्लास मैमेलिया हो जाएगा, एंड फाइनली फाइलम इसका कॉर्डेटा हो जाएगा. ड्रट डालो और हाउस फ्लाई, ये तो 2 to 3 times केवल यही क्वेश्चन हाउस फ्लाई के बारे में ही आ चुका है. ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था मस्का, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये म्यूसिडी फैमिली से बिलोंग करता है, यही क्वेश्चन आया था. इसका जीनस मस्का हो जाएगा, बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, फैमिली म्यूसिडी, यही ये नीट 2021 का ये क्वेश्चन था. ओके आर्डर इसका डिप्टेरा हो जाएगा, क्लास इंसेक्टा हो जाएगा, एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाएगा. बिल्कुल रट डालो मस्का को, मस्का बार बार पूछ रहा है. जबकि मैंगो की बात करें तो इसका बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका है, जीनस मैंगीफेरा है, फैमिली एनाकार्डियस रट डालो, ऑर्डर सेपिंडल्स है ये भी रट डालो, क्लास डाइकोटिलेडनी, एंड ध्यान देना जहां पर प्लांट है ना प्लांट में फाइलम ना यूज करके डिवीजन यूज करेंगे, डिवीजन एंजियोस्पर्मी हो जाएगी. ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे वीट का, साइंटिफिक नेम ट्रिटिका मेस्टियम है, जीनस ट्रिटिका है, फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है, एंड क्लास मोनोकोटिलेडनी है, एंड डिवीजन एंजियोस्पर्मी हो जाती है. बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कर लेते हैं. बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडी. फैमिली म्यूसिडी सभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्रासहॉपर है नहीं, कॉकरोच है नहीं, ये हाउस फ्लाई मींस मस्का डोमेस्टिका है, इसकी फैमिली म्यूसिडी थी. ओके फायर फ्लाई मींस क्या, ये हो जाता है जुगनू हो जाता है, ये भी इंसेक्ट है बट ये नहीं. ओके तो इसका आंसर हाउस फ्लाई हो जाएगा. आप इसका ये क्वेश्चन आपने देख लिया, आप यहाँ पर थ्योरी देख लो, यहाँ पर क्या है मस्का का क्या है फैमिली, इसकी म्यूसिडी है ये. ओके बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप यहाँ पर देखो उसको ध्यान दो, यहाँ पर क्या है ये नीट 2016 में आया हुआ था क्वेश्चन, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर हाउस फ्लाई के लिए क्लासिफिकेशन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कोड गिवन बिलो. कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, फैमिलीज की क्या है फैमिली म्यूसिडी, 2016 का क्वेश्चन था, 2021 में रिपीट किया गया क्वेश्चन यहां से उठाया. ऑर्डर इसका क्या है डिप्टेरा हो गया था, क्लास इसका क्या है इंसेक्टा है, और फाइलम आर्थोपोडास हो जाएगा. ओके बच्चों आप यहां से इस डायग्राम से आप देख सकते हो यहां पर क्या है कि हाउस फ्लाई, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, एंड क्लास इंसेक्टा, एंड फाइलम आर्थोपोडा इसका हो जाएगा डायरेक्टली यहां क्वेश्चन आया. ओके हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा मस्का का मींस हाउस फ्लाई का, ये तीसरा क्वेश्चन है, मैंने बताया ना 2-3 बार, ये मींस 2012 में क्वेश्चन आया था. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, के आधार पर कौन सा करेक्ट डिस्क्राइब किया गया है. ओके
तो यहां पर अगर हम देखें ऑप्शन ए मस्का डोमेस्टिका कॉमन हाउस लिजार्ड ना होकर के कॉमन हाउस फ्लाई थी। ओके, और रिप्टाइल ना होकर के क्या ये इंसेक्ट है। सो ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हाउस लिजार्ड दिया हुआ है। बी की बात करें प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम प्रोटोजोअन होता है, बिल्कुल सही है। पैथोजन काजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ये मलेरिया काज करता है, आप जानते हो कि प्लाज्मोडियम ये फाल्सीपेरम दिमागी मलेरिया काज करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया सी फेलिस टिग्रिस, क्या टिग्रिस के साथ फेलिस जीनस होता है? नहीं, ये क्या होता है, ये पैंथेरा जीनस होता है। सो ये गलत हो गया, पहले गलत हो गया। दी इंडियन टाइगर पैंथेरा टिग्रिस होता तो इंडियन टाइगर सही रहता। वेल प्रोटेक्टेड इन द गिर फॉरेस्ट ना होकर कहाँ होता है ये सुंदर वन, ये सुंदर वन का डेल्टा कहाँ सा, ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। जबकि गिर फॉरेस्ट जो है यहाँ पर क्या पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट में हमारा ये लियो पेंथेरा, लियो मीन्स पेंथेरा लायन, एशियाटिक लायन पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट में ये हमारा पाया जाता है, ये एशियाटिक लायन पाया जाएगा गिर फॉरेस्ट में। ओके, और नेक्स्ट है हमारा डी इकोलाई, बिल्कुल इकोलाई, ये क्या है, ये बैक्टीरिया होता है। इसकी रिकिया कोलाई फुल नेम एंटीमीबा कोलाई ना होकर के क्या है, क्यों हो जाता है इसके डायकिया कोलाई हो जाता है। इंटेमीबा दे दिया सो ये गलत हो जाएगा। अ कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इस डायकिया कोलाई, ये कॉमनली पाया जाता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में। ये एंटेमीबा कोलाई ये हमारा प्रोटोजोअन था, जबकि इस डायकिया कोलाई क्या है हमारा, ये बैक्टीरिया है ये। ओके, सो रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ये सही क्या हुआ हमारा, ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, ये आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर हाउस फ्लाई, ये फोर्थ टाइम हाउस फ्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हो। ये नीट 2011 का था, एपीएमटी 2011। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विद द पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, से कौन सा मैच करा है। टाइगर टिग्रिस स्पीसीज, टाइगर जो है पैंथेरा टिग्रिस, ये टिग्रिस होता है और स्पीसीज होता है टिग्रिस, बिल्कुल ये सही है, हमने अभी पढ़ा था। ओके, बी कटल फ्लिस मोलस्का का, ये बिल्कुल सही है। ये क्लास ना होकर क्या मोलस्का क्लास है, मोलस्का क्या है, ये फाइलम लेवल का टैक्सन हो जाता है ना, ये क्लास लेवल का नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ह्यूमन ये प्राइमेटा ऑर्डर से बिलोंग करता है, फैमिली ऑर्डर नहीं है। ओके, फैमिली प्राइमेटा नहीं है, इसका क्या है ऑर्डर होता, अगर यहाँ पर ऑर्डर होता तो सही रहता, फैमिली तो गलत हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। जबकि हाउस लाइक ये मस्का है। ओके, मस्का क्या होता है, ये जीनस होता है, ऑर्डर नहीं होता है ये, सो ये गलत हो जाता है। ऑर्डर इसका क्या होता है, इसका डिप टेरा हो जाता है, मस्का से चौथा क्वेश्चन था। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखिए बेटा। और टैक्सन, इस टैक्सन क्या होता है, ये क्या जीनस स्पीसीज, ये क्या है टैक्सन शो करता है, एक तरह का रैंकिंग है जो कि क्या टैक्सोनॉमिक ग्रुप को डिनोट करती है। ओके, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज नो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज नो, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नो, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो गया किसी भी रैंकिंग का होगा वो टैक्सन को डिनोट करेगा। ओके, क्लियर। सो तो बच्चों इसी के साथ, क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये टॉपिक, ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड को हमने डिस्कस कर लिया, इसके सारे क्वेश्चन भी कर लिए, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं हमने दिखाया कि नीट में क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली आ जा रहा है, लाइन बाय लाइन जो पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।